बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर खाजुवाला से सामने आ रही है। 4 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ने का मामला सामने आया है। 4 करोड़ रुपए की हेरोइन जो है पकड़ी गई है। खाजुवाला पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया और 4 करोड़ रुपए की हेरोइन जो है पकड़ी गई है। मौके पर बीकानेर की डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। बड़ी खबर, 820 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकल के सामने आई है। 820 ग्राम हेरोइन जो है वो पकड़ी गई है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान से हेरोइन आने की संभावना जताई जा रही है। तो पाकिस्तान से ये हेरोइन आई थी और सीओ अमरजीत चावला के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है बीड़ी इलाके के खेतों में सर्चिंग जो है की गई थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर बीकानेर की डॉग स्क्वाड टीम मौजूद है। 820 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 करोड़ रुपए इस हेरोइन की कीमत जो है बताई जा रही है और 4 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। पाकिस्तान से ये हेरोइन जो है स्मगल करने की कयास लगाए जा रहे हैं। खाजुवाला से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से 4 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और तस्वीरें डॉग स्क्वाड टीम के भी, किस तरीके से खेतों में डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और जो स्निफर डॉग्स थे उनके साथ टीम मौके पर पहुंची और स्निफर डॉग्स को भी काम पर लगाया गया और कि क्या कोई और अन्य खेप जो है हेरोइन की छुपाई गई है उसको लेकर जो है जांच पड़ताल की गई। खाजुवाला से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। सुरेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से पुलिस की टीम को लीड मिली थी और उसके बाद कार्रवाई की गई? जी देखिए, जिस प्रकार से खाजुवाला पुलिस के द्वारा कल जिस प्रकार से नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोक कर चेक किया गया था जिसमें 2 आरोपी सवार थे, उनकी तलाशी लेने पर 820 ग्राम हीरोइन मादक पदार्थ है वो पकड़ा गया जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कार को जब्त कर लिया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम के साथ डीएसटी टीम काजवाल डीवाईएसपी अमरजीत चावला के नेतृत्व में उग्गल थानाधिकारी और छत्रगढ़ थानाधिकारी की टीम ने बॉर्डर क्षेत्र के अंदर सर्च चलाया। सर्चिंग के दौरान बीडी क्षेत्र के अंदर खेतों के अंदर सर्च चलाया और आरोपियों के घर पे जिस प्रकार से डॉग स्क्वाड की टीम ने तलाशी ली तो प्रथम दृष्टया सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली है कि ये जानकारी आ रही है कि सामने की पाकिस्तान से जिस प्रकार से किसान के खेत में ये हीरोइन मादक पदार्थ गिराया गया और उसके बाद में आरोपियों ने सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस को सूचना ना देकर इसे अपने स्तर पर ही बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ये नाकाबंदी के दौरान पुलिस की पकड़ में आ गई और उसके बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें और भी बड़ा खुलासा हो सकता है कि पहले भी जिस तरह के कोई हीरोइन मादक पदार्थ इनके द्वारा सप्लाई किया गया है या अन्य आरोपी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, तो ऐसे में पुलिस है वो फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। जिस प्रकार से खेतों में इंडिया न्यूज के दर्शक वीडियो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से डॉग स्क्वाड की टीम है वो पूरे क्षेत्र को सर्च किया है। सर्च में प्रथम दृष्टया अभी तक सर्चिंग में पुलिस को कुछ मिला नहीं है, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि इसमें खेत में हीरोइन मादक पदार्थ गिरने। सुरेंद्र, पूरे मामले को लेकर आप नजर बना रखें, अगर कोई अपडेट आती है तो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खाजुवाला थाने का चार्ज भी है जो आज सुबह के 8:15 बजे अपने बीकानेर रोड पे खाजुवाला में नाकाबंदी कर रहे थे तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई तो उसने गाड़ी को रुकाने की कोशिश, गाड़ी ने भगाने की कोशिश करी लेकिन फिर गाड़ी को रोक के और उसने जो तलाशी ली तो उसमें 2 आदमी मिले, एक विवाद है और दूसरे का नाम है अपने ये परविंदर सिंह। तो इनके जब तलाशी ली गाड़ी की तलाशी ली तो उस गाड़ी के अंदर 820 ग्राम अपने हेरोइन एनडीपीएस पदार्थ अवैध मिला और इसमें गाड़ी का चालक था वो प्रतीक, वो भागने में कामयाब हो गया। तो इसके बारे में हम पता कर रहे हैं कहाँ से हेरोइन लाए हैं और कहाँ सप्लाई करने जा रहे हैं, इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया और अगर जो भी अनुसंधान में आएगा जो भी मुलजिम आएगा उसको हमने खबर